राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से केजरीवाल सरकार बन चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सरकार को खत लिखकर कहा है कि साल 2016 में 9 फरवरी के दिन जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए गए थे, जिसके बाद दिल्ली के वसंत कुंज थाने में आईपीसी की धारा 124 से 147, 149 और 120 बी के तहत मामले दर्ज किए गए थे। जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप में जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत अन्य पर कोर्ट ने कहा था कि सरकार को खत लिखकर दिल्ली पुलिस रुख साफ करने को कहे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अब तक जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी है। बुधवार को जब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो दिल्ली पुलिस ने बताया कि अभी तक दिल्ली सरकार से राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली है। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को निर्देश दिया कि वो दिल्ली सरकार को खत लिखकर उनका जवाब मांगे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केजरीवाल सरकार को खत लिखकर कन्हैया कुमार समेत अन्य के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की फिर से अनुमति मांगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डिप्टी कमिश्नर ने केजरीवाल सरकार को लिखे खत में कहा है कि इस मामले की जांच के बाद 14 जनवरी 2019 को कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई थी। इससे पहले 10 जनवरी 2019 को दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 196 के तहत राजद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए भी दिल्ली सरकार से इजाजत मांगी गई थी, जिसके लिए मामले से संबंधित दस्तावेजों को दिल्ली के गृह मंत्रालय को भेजा गया था। हालांकि अभी तक दिल्ली सरकार ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी है।